यह है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का प्रभाग कार्यालय क्रमांक 6, यहाँ पर सहायक आयुक्त सचिन बच्छाव बैठते हैं, वार्ड ऑफिसर भी है। और ये ऑफिस जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है काशी मेरा पुलिस स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ महानगर पालिका की इमारत है, हाल ही में नई बनी है। और इसी दफ्तर में इंजीनियर शुभम पाटिल और सोनी काम करते हैं बतौर यहाँ के जूनियर अभियंता के तौर पे। कल विधायिका गीता जैन ने शुभम पाटिल को जो थप्पड़ मारा है, उसकी पूरी गूंज महाराष्ट्र भर में सुनाई देने लगी है। मीरा भाईंदर शहर में भी इस कारनामे को लेकर सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगी है। एक तरफ जहां पर कुछ लोग एमएलए गीता जैन के इस कारनामे को लेकर समर्थन कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ इस कारनामे का कहीं ना कहीं विरोध भी होना शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगी है। शिवसेना के एक कार्यकर्ता रामबन शर्मा ने इस पूरे मामले में आज एक बाकायदा पत्रकार परिषद लेकर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से गुहार लगाई है कि जैसे आफताब खान पे कोरोना के काल में जो FIR की गई थी, और जिन्होंने FIR किया था वो डॉक्टर भी ठेके पर थे और आज के इस इंजीनियर ये भी ठेके पर ही है, तो जैसे आफताब खान पर कार्रवाई की गई थी उसी प्रकार से MLA गीता जैन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या क्या कहा आज रामभवन शर्मा ने MLA गीता जैन के इस कारनामे को लेकर। देखिए, मैं आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया है, मैं आज शिवसेना के पदाधिकारी के रूप में नहीं, मैं एक समाज सेवा और एक आम नागरिक के रूप में मैंने आज का पत्रकार परिषद यहाँ पे आयोजन किया है। कल जो जिस प्रकार से गीता जैन विधायिका गीता जैन मैडम ने एक कनिष्ठ अभियंता शुभम पाटिल के ऊपर जिस तरह से थप्पड़ मारा और उनको बेइज्जती किया, इसके लिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। उसी के साथ साथ उस अवैध बांध काम के ऊपर बिना नोटिस दिए हुए कार्रवाई करने वाले शुभम पाटिल ने के ऊपर भी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बिना नोटिस दिए हुए कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से कल कोई कार्रवाई नहीं थी, लेकिन गीता जैन मैडम ने प्री प्लानिंग करके वहाँ पे कैमरामैन लेकर के जाते हैं और सचिन बचाव को फोन करके बुलाते हैं, सचिन बचाव किसी कारण बस व्यस्त रहते हैं और वहाँ पे कनिष्ठ अभियंता शुभम पाटिल और संजय सोनी को वहाँ पे भेजते हैं, और भेजने के बाद उनसे जिस तरह से सवाल कर रही है गीता जैन मैडम, बार बार उनको कानून की तरजीह दे रही है कि GR मालूम नहीं है, कि GR मालूम नहीं है कि। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायिका गीता जैन को बताना चाहता हूँ कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में प्रभाग क्रमांक 1 में कितने रोज झोपड़े बन रहे हैं, कितने अवैध बांध काम हो रहे हैं, कितने गोर गरीब के घर टूट रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कभी भी अमल क्यों नहीं ली। एक तरफ से वो राजनीतिक स्टंटबाजी करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने 4 साल पहले चुनाव में मीरा भाईंदर के भ्रष्टाचार रूपी रावण को खत्म कर देंगे, टोल नाका हटा देंगे, इन सारी कामों पे नाकाम साबित हुए, और आगे वाले चुनाव में जनता हमसे सवाल करेगी, तो इस प्रकार का स्टैंड बनाया कि ताकि हम जनता के बीच में सुर्खियों में बने रहें। कल जो है वो उस गरीब राजीव कुमार सिंह के घर बचाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि कल कोई कार्रवाई नहीं थी। यदि आना था तो वो 14 तारीख आना चाहिए था। आपको बता दूं कि 14 तारीख के गीता जैन के फोन आने के बाद वहां से जो है बांधकाम तोड़ने गए हुए अधिकारी बैरंग लौटे, यानी खाली लौट करके चले आए, और कल जो गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी के बुलाने पे गए थे, ऐसा मुझे खबर है। और वहां पे कल बिल्डर भी था, तो कल उस गरीब का घर बचाने नहीं गए थे, बिल्डर के कहने पे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रवि व्यास के कहने पे वहां पे गए थे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो आम नागरिक के ऊपर जिस तरह से गुनाह दाखिल होता है, मैं कहूंगा ढेसिंग आयुक्त, कार्य सम्राट आयुक्त दिलीप ढोले जी से, जिस तरह से आम नागरिकों के ऊपर, आम अधिकारियों के ऊपर हमला करने वाले को गुनाह दाखिल करते हैं, उसी तरह से 353 कलम के तहत तथा अवैध बांधकाम को संरक्षण देने के तहत मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1952 के तहत MRTP के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुए। दिसंबर 2018 को एक जो है मीरा देवी अशोक सिंह और राजीव अशोक सिंह के नाम से MMRDA पिनाकोलो तहत उनको फ्लैट दिया गया है, जबकि पांडुरंगवाड़ी से प्रभाकर महात्रे के बंगले से रोड बाइंडिंग हुई। लेकिन इस व्यक्ति का एक आदत है जमीन हड़पने का। मेरा कहना है कि कक्कड़ बिल्डिंग ने कुछ, उनका वेस्टलैंड था, वेस्टलैंड पे उनको घर बनाने के लिए अनुमति दे दी थी मौखिक रूप से, शायद लिखित भी दिया होगा, उन्होंने बनाया। लेकिन देखिए कि जो मनपा ने कार्रवाई की है वो रहते घर पे कार्रवाई नहीं किया है, जो राज रियल्टी की जो वहां पे जगह खाली पड़ी थी उस जमीन में कार्रवाई कर रहा था, तो बिल्डर ने जाकर करके उनसे कहा कि भाई ये खाली कर दो, तो उन्होंने फ्लैट की मांग करने लगे, तो वो उन्होंने मनपा का सहारा लिया। यदि वो खुद जाके तोड़ता तो भी लोग बोलते कि गुंडागर्दी कर रहे, तो कोई बिल्डर कोई चोर नहीं है।
एक इमारत बनने में 56 आइटम लगते हैं, यानी 56 लोगों को रोजगार मिलता है। गीता जैन जी खुद बिल्डर हैं। मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपके चैनल माध्यम से, के माध्यम से, मंगल नगर में कोर्ट के सामने जो गीता जैन जी का जो बांध काम कर रहा हूँ, वहां पे कई अवैध गैरेज वाले थे, यही मनपा के 6 के अधिकारियों के माध्यम से जो उस टाइम पे तत्कालीन थे, उनको बोल करके, उनको आदेश दे करके वो अवैध बांध काम हटवाए, तो वहां पे उनकी नीतिमत्ता कहां गई थी? कल का जो कार्रवाई है वो सिर्फ चुनावी स्टैंड और राजनीतिक स्टैंड और बिल्डर से पैसे ऐंठने के लिए वहां पे गई थी, ऐसा मेरा आरोप है। जिस तरह से अफ्ताब जी के ऊपर कार्रवाई हुई, एट्रोसिटी भी लगी, 353 भी लगी और सारे धाराएं उनके ऊपर लगी, तो उसी तरह से महाराष्ट्र में जो है, पुरोगामी महाराष्ट्र है, यहाँ पे कानून का राज चलता है, गुंडों का राज चलता नहीं है। तो जिस तरह से अफ्ताब खान जी के ऊपर उस टाइम पे कानून कार्रवाई दिलीप ढोले जी ने किया, उसी तरह से आज विधायिका गीता जैन के ऊपर भी कार्रवाई कर करके बताएं, याना था आज आपके चैनल के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के रुकेंगे नहीं, हम सारे समाज सेवक इकट्ठा होकर के गीता जैन के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बार बार वो कह रही थी कि एक महिला का अपमान हुआ है और जिस पर वो इंजीनियर हंस रहे हैं, ये उनकी बात पर क्या लगता है कि वो इंजीनियर उस वक्त हंस रहा था? देखिए, उस महिला के बातों पे वो इंजीनियर नहीं हंस रहे थे। गीता जैन जो बार बार GR का जो उदाहरण दे रहे थे, उसके ऊपर बार बार झूठा को सच्चा साबित करने की जो गीता जैन कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर आप पूरा वीडियो को जरा झूम करके देखिए, थोड़ी सी मुस्कान आई है, उससे झल्ला उठ कर करके गीता जैन जी ने उनको थप्पड़ जड़ा है। मैं कहता हूं, यदि उनको गरीबों के बीच में सहानुभूति थी तो 14 तारीख को क्यों नहीं गए, 16 तारीख को कार्रवाई थी तो क्यों नहीं गए? कल जानबूझ करके बुलाना और इस प्रकार से अधिकारियों के ऊपर थप्पड़ मारना उनका ये राजनीतिक स्टैंड था, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। वो कार्य सम्राट और डैशिंग आमदार बनने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बता देना था, वो कभी कार्य सम्राट और डैशिंग आमदार हो नहीं सकते। एक ही है डेसिंग आमदार और कार्य सम्राट, उसका नाम है प्रताप बाबूराव सरनई। ये वैभव जानबूझ करके आफ्ताब खान जी उस टाइम पे थोड़ा सुर्खियों में चल रहे थे, ये सच्चाई को उजागर कर रहे थे, अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती हो रही थी, इनकी जवान को इनके बंद करने के लिए, इनकी बोलती बंद करने के लिए, इन प्रकार का डराने के लिए, आफ्ताब खान जी को डराने के लिए इस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उसमें मनपा प्रशासन और राजनीतिक लोगों का भी हाथ है। क्या यहाँ पर विधायक के डर में है, उनके दबाव में है मनपा प्रशासन, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, ये तो जरूर है कि एक विधायिका है, विधायिका के ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि दिलीप ढोले जी किसी भी दबाव में आएंगे नहीं, क्योंकि कई सामाजिक संगठनों ने कल से आज तक के पत्र व्यवहार करना चालू किया। आम नागरिक के ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता है, किसी दूसरे समाज सेवक के ऊपर गुनाह दाखिल होता है, तो विधायिका के ऊपर क्यों नहीं? उससे ज्यादा आपको मालूम होगा, मीरा भाईंदर में इससे कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके ऊपर गीता जैन ने किया, अभी फिलहाल वो साने की एक प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में गीता जैन क्यों नहीं आगे आई? उन्हीं के बिल्डिंग में भाड़ोत्री था, उसके ऊपर कांड हुई, तो उसके ऊपर गीता जैन जी ने आगे क्यों नहीं आई? महिला को न्याय दिलाने की कोशिश क्यों नहीं? महिला के परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश क्यों नहीं? सेना के पदाधिकारी राममोहन शर्मा जो मांग कर रहे हैं चैनलों के माध्यम से, जितने शिवसेना के पदाधिकारी राममोहन शर्मा जो मीडिया के माध्यम से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से मांग कर रहे हैं कि जैसे आफ्ताब खान पर 2 साल पहले कोरोना के कार्यकाल में कार्रवाई हुई थी, उनके खिलाफ में मामला दर्ज हुआ था, उसमें शिकायतकर्ता भी ठेके के ही डॉक्टर थे, इस थप्पड़ कांड के भी शिकायतकर्ता शुभम पाटिल है जो कि ठेके के इंजीनियर है, यहाँ पर भी आफ्ताब खान की तरह मनपा ने अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि MLA गीता जैन के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग की है राममोहन शर्मा ने। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मामले में एक तरफ जहां पर MLA गीता जैन ने इंजीनियर शुभम पाटिल के खिलाफ में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है, वही दूसरी तरफ इंजीनियर शुभम पाटिल ने एक सादे अर्जी पर काशीमेरा पुलिस स्टेशन में मांग की है कि इस पूरे मामले की भी जाँच करके कानूनी कार्रवाई की जाए, यानी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ में जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना है कि काशीमेरा पुलिस स्टेशन इस पूरे थप्पड़ कांड मामले में क्या कदम उठाता है और क्या अपनी जांच में पाता है। बहरहाल MLA गीता जैन के इस थप्पड़ कांड मामले को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही है, कोई इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहा है तो कोई इसे भ्रष्टाचार की सीमा पर लगाम लगाने के लिए एक अच्छा कदम बताया जा रहा है MLA गीता जैन के तरफ से। इस पूरे मामले में जो भी नई अपडेट या नया
खुलासा होगा हम आप तक का जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।